जय शिक्षण संस्थान की इस ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। देखिए, हमने जिस प्रकरण को कल स्टार्ट किया था और जिस बिंदु को हमने जहाँ पर छोड़ा एंड किया, उस बिंदु से वापस से जुड़ने का प्रयास करते हैं। हमने क्रिया के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था। उस अध्ययन के अंदर हमने क्रिया के बारे में थोड़ा बहुत जाना, उसको दो मिनट वापस दोहरान कर देता हूं मैं। देखिए, क्रिया संस्कृत भाषा से निकल के आई है और संस्कृत भाषा की जो धातु है उसमें ना प्रत्यय जुड़ने पर हिंदी की क्रिया का निर्माण होता है। जैसे चल धातु में यदि ना प्रत्यय जुड़े तो चलना बनता है। तो यह तो भी क्रिया की व्युत्पत्ति के बाद, कहने का मतलब मूल धातु अर्थात संस्कृत की धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है, यह हुई क्रिया की व्युत्पत्ति की बात। यदि हम परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। और क्रिया के जो प्रकार हैं, तीन प्रकार हैं, क्रम के आधार पर क्रिया, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया व काल के आधार पर क्रिया। हमने जिस टॉपिक को स्टार्ट किया था क्रिया के प्रकार में से, वो था पहला प्रकार हमारा क्रम के आधार पर क्रिया, उससे जुड़ने का प्रयास अभी करते हैं। देखिए, नंबर एक था कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया होती है दो प्रकार की, एक तो होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। फिर से वापस इन दोनों शब्दों से अवगत करवा देता हूं। अगर किसी शब्द की परिभाषा अगर हमें जाननी है तो उसे शब्द के मूल तथ्य को पहचानना पड़ेगा। दोनों शब्दों के अंदर एक बात कॉमन होती है और वो है कर्म की। जहां अकर्मक क्रिया की बात हो वहां पर अ प्लस कर्म और सकर्मक क्रिया की बात होती है स प्लस कर्म। जिस शब्द के आगे यदि अ उपसर्ग लगा हुआ होता है उसे अ उपसर्ग का अर्थ लेते हैं हिंदी के अंदर नहीं का, और स के साथ का अर्थ लेते हैं सा और सखी। तो ये तो हो गई बात है इन दोनों शब्दों की मूल तथ्य की। अगर क्रिया के साथ में कर्म नहीं है, यदि हम बात करें इन दोनों की परिभाषाओं की, तो इस विश्लेषण से समझ सकते हैं कि यदि कर्म के साथ में क्रिया के साथ में कर्म नहीं है तो वह अकर्मक क्रिया है, और यदि कर्म के साथ में क्या है क्रिया है तो वह है सकर्मक क्रिया। तो यहां तक हमने बात को अपने विराम दिया था कल। आगे अब आपके बात करते हैं कि अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, अकर्मक क्रिया यदि हमने विश्लेषण किया थोड़ी देर पहले, उससे अगर परिभाषा बनाना चाहिए तो बना सकते हैं कैसे कि यदि कर्म के साथ में क्रिया के साथ में कर्म का प्रयुक्त नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा यदि हम देखें तो हमने पहले भी पढ़ा है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल व परिणाम कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। ये तो हुई परिभाषा।
यदि इसके उदाहरण को समझे तो कह सकते हैं, देखिए मोहन चलता है, मोहन चलता है, इस वाक्य के अंदर क्रिया तो है चलना, क्या है क्रिया तो है चलना, और मोहन है वह है कर्ता। अब परिभाषा से इस उदाहरण को सिद्ध करते हैं कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल व परिणाम कर्ता कार्य पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। देखिए कर्ता कर्ता द्वारा कार्य हो रहा है चलने का, अब देखिए क्रिया का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। परिभाषा को सिद्ध करने के लिए ये उदाहरण है। वैसे हमने कल ये जाना था कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया, अकर्मक और सकर्मक क्रिया के जो उदाहरण हमारे पास में दिए होते हैं उनको पहचानने का पहचानने के तरीके भी हैं, वो क्या हैं वो देखते हैं आगे। देखिए अकर्मक क्रिया की बात हो गई, सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखिए, अकर्मक क्रिया के अंदर में क्या परिभाषा देखी, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल परिणाम कर्म पर न पड़कर, किस पर कर्म पर न पड़कर सीधा किसके ऊपर पड़ता है कर्ता के ऊपर। तो सकर्मक क्रिया के अंदर इसका विश्लेषण हमने किया था थोड़ी देर पहले, तो हमने देखा कि स प्लस कर्म सकार क्रिया का साथ या सहित, तो कर्म क्रिया के साथ में कर्म है, तो इसका मतलब यहां पर हमें जिस शब्द का को चेंज करना है वह क्या है कि यहाँ पर देखिए क्रिया का प्रभाव सीधा किसके ऊपर पड़ रहा है, अकर्मक क्रिया में कर्ता के ऊपर, और सकर्मक क्रिया का के अंदर जो परिभाषा बनेगी वो क्रिया का जो प्रभाव पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा कर्म के ऊपर, जैसे परिभाषा ही है कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल व परिणाम कर्ता पर न पड़कर, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है, कहा जाता है। ये तो हो गई दोनों की परिभाषाओं की बात, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल परिणाम कर्ता पर न पड़कर सीधा किसके ऊपर पड़ेगा कर्म के ऊपर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे मैं कह दूं मोहन अखबार पढ़ता है, देखिए इस वाक्य इस परिभाषा को समझने के लिए वाक्य का विश्लेषण करते हैं, ये क्या है क्रिया है, पढ़ना क्या है क्रिया, मोहन क्या है कर्ता। हमने एक बात जानी थी कि तरीके नंबर एक कल हमने प्रयोग किया था कि क्या शब्द का प्रयोग करके, सॉरी क्या शब्द का प्रयोग करके हम प्रश्न बनाते हैं, यदि उत्तर आ जाता है तो सकर्मक क्रिया, उत्तर नहीं आता है तो अकर्मक क्रिया। देखिए क्रिया से पहले हम क्या शब्द लगाएंगे, मोहन क्या पढ़ता है, आंसर क्या आएगा अखबार पढ़ता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये है सकर्मक क्रिया। आगे बाद में बात करते हैं, ये तो हो गई दोनों की परिभाषाओं और उदाहरण के द्वारा विश्लेषण, अब इन दोनों को पहचाने कैसे कि यदि वाक्य दे दिया जाए और हम पहचान नहीं कर पाए तो इसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका मैंने कल बता दिया था कि क्या लगा के हम क्वेश्चन करेंगे, यदि हमारे पास में आंसर आता है तो वह सकर्मक क्रिया, यदि नहीं आता है तो वह अकर्मक क्रिया, इसके दो तरीके। और पहला तरीका तो हमने समझ लिया क्या करके, दूसरा और तीसरा जो तरीका है वो पहले भी मैंने बता दिया था और आज फिर बता रहा हूं। देखिए अमूमन हम क्या देखते हैं कि वाक्य के अंदर जैसे इंग्लिश में भी आप देखते हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, वैसे ही हिंदी के अंदर कर्ता कर्म और क्रिया, ये दूसरा तरीका है
कौन सा तरीका? दूसरा तरीका है क्रिया को पहचानने का कि वाक्य के अंदर कौन सी क्रिया है, कर्ता, कर्म और क्रिया, इन दोनों को पहचानने के लिए दूसरा तरीका है। जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं, राम चलता है, राम पत्र लिखता है, वो राम तेज चलता है। देखिए दूसरा तरीका हम यूज कैसे देंगे, प्रयोग कैसे देंगे मैथ में। आप पे जैसे मान लो 40 बटे 20 करते हो तो काटते हो या मतलब भाग देते हो कि नहीं, वैसे ही इसमें भी है। कर्ता प्लस कर प्लस क्रिया, यदि हम बात करें वाक्य के अंदर, देखिए क्रिया की बात चल रही है तो हम देखते हैं कि क्रिया क्या है, चलना। कर्ता क्या है, राम। देखिए कर्ता से कर्ता कटा, क्रिया से क्रिया कटी, बच गया क्या, कर्म। बच गया क्या, कर्म बच गया। इसका मतलब इसमें कर्म है नहीं, किसको कटे, तो यह हो गई अकर्मक क्रिया। क्या हो गई, यह वाक्य हो गया अकर्मक क्रिया का। देखिए वही तरीका यहां बनाएंगे, क्रिया क्या है, लिखना, कर्ता क्या है, राम, और पत्र क्या है, कर। देखिए कर्ता से कर्ता कटा, कर्म से कर्म कट गया, और क्रिया से क्रिया कट गई, यानी कि तीनों मौजूद है। इसका मतलब यह होगी सहकर्मक क्रिया। क्या हो गई, सहकर्मक क्रिया। अब आगे अगला जो वाक्य है वो देखते हैं, राम तेज चलता है, राम तेज चलता है। इसके अंदर कोई प्रक्रिया अपनाएंगे, चलना क्या है, क्रिया, चलना क्या है, क्रिया, और राम क्या है, कर्ता, राम क्या है, करता है। अब इस तेज को क्या कहें, यहां पर हमने कर्ता और क्रिया के मध्य जो शब्द था उसको कर्म कह दिया। यहां पर कर्ता और क्रिया के मध्य जो शब्द था उसको कर्म कह दिया। यहां पर तीसरे वाक्य में एक दो और तीसरा जो वाक्य है उसके अंदर तेज शब्द को क्या कहें, यह पहचानना अति आवश्यक है। पहली बात क्रिया की, राम करता है, तेज क्या है, तो ध्यान रखिएगा कर्ता संज्ञा या सर्वनाम होगा और कर्म भी संज्ञा या सर्वनाम हो सकते हैं। ये दोनों विकारी चीजें हैं, मतलब संज्ञा और सर्वनाम दोनों विकारी शब्द हैं। इस शब्द को हम बदले, कहने का मतलब विकारी शब्द लिंग वचन काल और कारक के प्रयोग करने पर परिवर्तन आ जाता है। क्या इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस वजह से ये अविकारी शब्द है और ये है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बता रहा है कि राम कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे की जो बात है वो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे, समझेंगे।